कौमी असेंबली के इजलास के दौरान मुनीर औरंगज़ई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुनीर औरंगज़ई इजलास के दौरान नशिस्त पर ही गिर गए। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान मेंबर मुनीर औरंगज़ई की तबीयत अचानक ख़राब हुई और वो इजलास के दौरान नशिस्त पर ही गिर गए। जी हाँ, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी लेकर जाया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ पट से। आतिफ, क्या सूरत हाल है, क्या मालूम हो सका उनकी तबीयत के बारे में? जी, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है और रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरंगज़ई की इजलास के दौरान ही जो तबीयत है वो अचानक ख़राब हो गई, जिसके बाद वो अपनी कुर्सी पर ही उनकी वो गिर गए और उसके बाद जो अरकान हैं उनकी जानब से उनको जो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाया गया और जो पता ये चला है कि उनकी जो तबीयत है वो ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से जो है वो ख़राब हुई। उसके बाद मुनीर औरंगज़ई जो है उनको जो करीबी अस्पताल पोली क्लिनिक है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है और व्हीलचेयर से उनको व्हीलचेयर पर बैठाकर जो है वो पार्लियामेंट हाउस की जो डिस्पेंसरी थी वहाँ पर लाया गया, लेकिन जब एम्बुलेंस में उनको बिठाने लगे तो वो खुद व्हीलचेयर से उठकर खुद एम्बुलेंस में बैठे हैं और उसके बाद वो इस वक्त उनको पोली क्लिनिक जो है वो। शुक्रिया आपका आते पर आपने अपडेट किया।